माय चैनल इंडियन अलका व्लॉग्स। और आप लोग कैसे हो? लॉकडाउन कैसा जा रहा है सबका? आई थिंक सबका बहुत अच्छा ही जा रहा होगा। अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग खा पी रहे होंगे और बढ़िया हेल्दी हो रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो बाहर कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है, घर पर ही रहकर आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो इस टाइम बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है हमको एक्सरसाइज वगैरह करने का भी। तो अभी तो 3 मई तक है ही लॉकडाउन, लेकिन कहीं कहीं ऑफिसेज वगैरह तो खुल गए हैं। जैसे मेरे हस्बैंड भी अब 1-2 दिन से ऑफिस जाने लगे हैं, तो कई जगह ऑफिस भी थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए खुल गए हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3-4 घंटे ही जाना पड़ता है, लेकिन स्टार्ट हो गया है। पूरे प्रिकॉशन से आते जाते हैं, उनको हम लोग बाहर ही सब सैनिटाइज वगैरह करा करके फिर आकर के वो तुरंत नहा लेते हैं बाथरूम में जाकर के। तो उतना टेंशन नहीं है, टेंशन कहाँ तक लेंगे या कहाँ तक डरेंगे, क्योंकि लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है, तो टेंशन को तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए, मैं बहुत दिन से आप लोगों के साथ बहुत मीठी मीठी रेसिपी शेयर कर रही थी, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एक नमकीन लेकर आई हूँ। नमकीन सेंस मतलब जैसे अपन चाय के साथ मॉर्निंग में या इवनिंग में खा सकते हैं, तो ऐसा नमकीन है। वो ज्यादा उसमें ऑयल वगैरह नहीं रहता है, पतला वाला पोहा, मूंगफली और थोड़े से मखाने डालेंगे, थोड़ा सा वो जो लाई आती है वो डालेंगे, थोड़ा सा नारियल डालेंगे, इस तरह मिक्स करके एक बढ़िया सा नमकीन बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ अपने घर में, आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी आप रेसिपी शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और उसमें ऐड क्या कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं, तो मुझे भी कुछ नॉलेज मिलेगा आप लोगों के थ्रू। मेरा तो आप लोग सब देख लेते हैं कि मैं क्या कैसे बनाती हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं? अगर आप कमेंट में कुछ ऐड करना चाहें, बताना चाहें, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं मुझे भी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि मैं कैसे नमकीन बनाऊंगी। तो मैंने गैस स्टार्ट कर दिया है, गैस देखिए चालू है, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। सबसे पहले मैं मूंगफली निकालूं, मेरी ये भुनी हुई मूंगफली है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मूंगफली में। मूंगफली आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मूंगफली हो गई है, मेरी भुनी हुई मूंगफली थी इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, तेल निकाल लेंगे इसी में, इस तरह की छन्नी ली इससे तेल निकल जाता है। अब मैं इसी तेल में मखाने डालूंगी, जो बिल्कुल पतला पोहा आता है वो वाला पोहा लेना है। तो मैंने दोपहर को पोहा लाई और मखाने अच्छे धूप में सुखा लिए हैं, तो ये बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। धीमी आंच में इसको थोड़ा सा इसे चला लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएगा अंदर तक। कढ़ाई को साफ कर लिया, नमक इसमें पड़ा था, अब इसमें फिर तेल डालेंगे। मैंने ये हरी मिर्च बारीक काट ली है, धनिया पत्ती काट ली है, और ये मीठी नीम है, इससे मैं बघार लगाऊंगी। थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, मीठी नीम डालूंगी, मीठी नीम बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तब धनिया पत्ती डाल देंगे। जब इसमें से आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाए, जो एक पानी की आवाज आती है, तो जब पानी की आवाज आना बंद हो जाए तब इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें ये जो पतला पोहा था उसको डालेंगे। इसको पहले मैंने अच्छे से छान लिया था, छाना हुआ है,
इसको दो छन्नी की हेल्प से चला लेंगे, अलग पलट कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये हमारा पोहा पूरा पीला दिखने लगा, अभी सफेद दिख रहा था, अब पूरा येलो कलर का दिखने लगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कैमरा कैच कर पा रहा है कि नहीं। देखिए ये मुझे पूरा पीला दिखने लगा है, मतलब इसमें हल्दी का कलर चढ़ गया है। अब मैं इसको निकाल दूंगी। ये मैंने इस तरह नारियल के पीसेस किए हुए हैं, जो चिप्स वाली मशीन आती है ना उसी से निकाले हैं ये। तो आपको जैसे भी मोटे, जितने मोटे पतले करने हो आप उससे कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा बिल्कुल जरा से तेल में हल्का सा जल्दी से कढ़ाई में डाल करके बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये जलने लगता है। तो थोड़ा इसको भी कर लेते हैं, बिल्कुल जरा सा तेल डाला है। मुरमुरा ये ऐसी लाई, इसको बस और फ्राई करना है और सब हो गया है। फिर थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जल्दी से ही थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, लाई तुरंत डाल देंगे। नमक डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा सीख भून लेंगे। गैस को थोड़ा कभी तेज कर लेंगे, कभी धीमा कर लेंगे, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, जलने ना पाए बस ऐसा करिएगा। बस ये भी हो गया है, अब गैस बंद कर देते हैं। मैंने सबको अच्छे से तड़का वगैरह लगा के रेडी कर लिया, आपने देखा है। अब सबको मैं इस तरह का एक बड़ा सा डिब्बा ले लूंगी, अब इसमें सबको मिक्स करेंगे। इसमें सबसे पहले पोहा डालती हूँ, क्योंकि पोहा में मैंने तड़का लगाया था हरी मिर्च, मीठी नीम और धनिया पत्ती से, इसलिए इसमें मैं सबसे पहले ये लाई को मिलाऊंगी कि जिससे अच्छे से इसमें भी खुशबू आ जाए उसकी। ये डाल करके इसको एक छन्नी की हेल्प से मिक्स कर देंगे, इसको ठंडा नहीं होने देंगे, गरम गरम में ही सब कर लेंगे। अब इसमें मैं मखाने डाल रही हूँ, आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट में काजू बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं इसी तरह फ्राई करके। इसमें पहले नमक मिला देंगे और इसको पहले मिक्स कर देते हैं। बड़े बड़े पीस दिख रहे हैं तो इसको थोड़े छोटे छोटे कर लेंगे। अब इसको भी मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हमारा नमकीन रेडी हो गया, ये देखिए हमारा नमकीन रेडी हो गया। सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ, इवनिंग में छोटी सी भूख रहती है ना, तब उसमें आप ले सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको घर में बहुत इजी बना सकते हैं। बस यही है कि आप मखाने, पोहा और लाई तीनों को बहुत, और मूंगफली अगर आपकी कच्ची है, अगर आपकी भुनी हुई मूंगफली नहीं रखी, अगर कच्ची मूंगफली है, तो चारों चीजों को आप पहले धूप में अच्छा सुखा लीजिए, तो बहुत ही कुरकुरी, ये देखिए आप, ये आवाज आ रही है, मतलब पोहा और इसकी लाई की बहुत अच्छी आवाज आ रही है, कुरकुरा बनता है। तो इसी तरह का आप नमकीन घर पर बनाइए और बढ़िया एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय।